एक बार टायर देखो, इतना फिक्सम फिक्स जगह रहती है देखो वहाँ पे, उसी यही हुआ होगा मेरे हिसाब से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। यार आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये रही अपनी गाड़ी, और सामने यार होटल है, गाड़ी लगी है, दिख नहीं रहा है। और गाइस रात में आराम से यहीं पे खा पी के सो गए थे। और यार रात में गाड़ी ऐसी चली ना, मुझे खुद नहीं पता चला यार मैं कहाँ हूँ, कैसे चल रही है, मेरे हिसाब से नींद नहीं चली। तो फाइनली यार ये सामने रहा होटल, और अब अच्छी खासी पार्किंग है, तो आराम से लगा दिया गाड़ी और आराम से अब फ्रेश व्रेश हो गए, निकलते हैं। तो गाइस आगे चल के यार रास्ता वास्ता करेंगे ऐसे ही। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि यार एक बार सोया ना तो मेरे हिसाब से 7 बज गए नींद टूटने में। यार अभी अभी उठा हूँ तो अभी इस टाइम 8 बज रहे होंगे। तभी गाइस कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। यार ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो बढ़ते हैं आगे गाइस। यार फाइनली निकालते गाड़ी को, हम देखो यार गाड़ी निकल जाएगी, उसी निकलने का कोशिश है, निकल जानी चाहिए। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग गाइस। और अभी आ चुके हैं हम इंदौर बाईपास। तो ये सामने इंदौर बाईपास है, ये अभी ब्रिज का काम चल रहा है गाइस। ये यार फटाफट ब्रिज का काम ना हो जाए तो ऐसे जाम नहीं लगेगा नीचे। यार देखो कहाँ जा रहा है। यार ये ब्रिज का काम है, बस फटाफट हो जाए ब्रिज का काम तो आराम से ऊपर ऊपर से ना तब टूटन, मतलब जहाँ हमें मुड़ना है इंदौर आगरा साइड ना, आराम से मुड़ जाएंगे, ऐसे नीचे से घूम के नहीं जाना पड़ेगा। काम लगता है देखो। ओहो यहाँ पे गाइस गाड़ियाँ ना कम और हिलाते हैं, बहुत खतरनाक सा, मैं एक बार रिकॉर्ड किया था। अरे देखो गाड़ी सामने से, देखो ये इन सबको ना थोड़ा सा भी परवाह नहीं रहता, गाड़ी जा रही है आ रही है, जहाँ होंगे तहाँ ब्रेक लगा देंगे छोटी कार वाले। बहुत गुस्सा आता है इन लोगों को यार, पर क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते, कितना समझाएं इन लोगों को। अब ये देखो यहाँ पे देखना कुछ सही है, रुक गया। अब ये देखो यहाँ पे ट्रक वाला आ रहा है। तो गाइस यार यहाँ पे हो गया लोचा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखो यार अभी क्या डिसाइड होता है और क्या लोग करते हैं। देखो गाइस देख रहे हो, यार रोड ये लोग लोचा करते हैं, अपने यार जाम रोड को करते हैं, देख रहे हो रोड पे वो किए हैं। रोड को ब्लॉक नहीं करना चाहिए यार, रोड को खाली करना चाहिए। चलो एक यहाँ पुलिस वाला उतरा कार से, देखते हैं क्या हुआ, मेरे सब सॉल्व हो जाएगा, रास्ता तो क्लियर करेगा कम से कम। क्या होता है ना गाइस, ये थोड़ा ड्राइवर भी जो होते हैं ना अभी थोड़े से रद्द होते हैं, हरामी टाइप के होते हैं। कोई भी ड्राइवर हो हरामी टाइप का होता ही है, मैं भी हूँ ना, मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको यहाँ पे चुल और घाई मची रहती है, सबको जल्दी रहती है, कोई नहीं सोचता कि मैं 2 मिनट पीछे उठूँ 2 मिनट लेट चलूँ, सब सोचते मैं आगे रहूँ। अभी देखो वहाँ पे उसी यही हुआ होगा मेरे हिसाब से। यार क्या बताएं, यहाँ पे पूरा जाम है, भीड़ इकट्ठा हो गई, यहाँ पे देखो पूरा भीड़ इकट्ठा हो गई, वहाँ पे भी भीड़ इकट्ठा ही हुई है, और गाड़ियाँ यहाँ लंबी जाम लगी है, पीछे देख सकते हो। तो यार चलो फाइनली ड्राइवर गाड़ी के अंदर गया,
और आगे बढ़ा ले यार, झगड़ा मार करो थोड़ा सा, गाड़ी को साइड कर लो, हम भी यार देखते आगे बढ़ते हैं ज़्यादा, गाड़ी आगे बढ़े। गाड़ी देखो एकदम तिरछी हो गई है यार, पूरा इसका लूज हो गया है, कमर देख रहे हो, यार गाड़ी देखो पूरी लूज हो गई है। और आराम से गाड़ी रोक के बस पड़े हैं। तो गाइस यार अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:12 और गाड़ी अपनी ना वो पेट्रोल पंप पे खड़ी है, वहाँ से लेना है डीजल यार, और उसके बाद अभी डीजल है नहीं तो आ गए खाना खाने के लिए, टाइम भी हो गया था यहाँ पे, और सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये रहा सामने एकता होटल, और यहाँ पे खाते हैं खाना, खाना खा के फिर डीजल का इंतज़ार करते हैं। और ये रहा वाशरूम, वाशरूम चेक करूँ, और ये होटल, गाइस होटल होटल यार, खाना ना खा के फिर डीजल लेके निकलेंगे। तो भाई ये हमारी थाली, और इस पर डालते हैं नींबू, और भाई खाना भी आएगा, इस यार ये हमारी एक तंदूरी रोटी, और ये चपाती है, और तवे की रोटी, और ये हमारा डिश यानी पनीर मसाला। इतनी बड़ी बड़ी पनीर है, ओ भाई ये कौन सी पनीर है, इतनी चपटी चपटी पनीर रोटी की जैसी यार, खाते हैं खा के फिर गाइस फिर निकलेंगे आराम से, यार टेस्ट करते हैं क्या टेस्ट है, करेंगे। तो भाई एक बार पहचानो ये कौन है, फिर से मेला लगाने आ रहा है भाई गुज्जर। तो भाई अभी यार हम सारंगपुर पार कर चुके हैं, और सारंगपुर पार करके यार लगभग सारंगपुर का एक टोल ही पड़ता है, सारंगपुर का ना ये टोल है, अभी टोल पे खड़े हैं, अभी टोल से निकलेंगे सारंगपुर पार। उसके बाद भाई यार क्या करें, बैठे बैठे ना सुस्ती सी आ रही है, फिर उसके बाद सीधा आएगा अपना ब्यौरा, ब्यौरा भी यहाँ से यार 35 किलोमीटर और ब्यौरा है, और फाइनली भाई गुज्जर हमारे जा रहे हैं, तो हम भी बढ़ते हैं आगे, पीछे पीछे चलने दो, एक बार टायर देखो इतना फिक्स जगह रहती है यहाँ पे टोल पे, इसके लिए बहुत हिसाब से निकलना पड़ता है, देख रहे हो कितना फिक्स जगह है। तो भाई गुज्जर भाई रुक गए आगे, खाली हमारा टोल हो गया पास, और हम अपना निकल रहे हैं, देखो कितना फिक्स जगह है, पहले जगह देखो
ये लग गया भाई हमारा 3 नंबर, धक्का देती गाड़ी, क्या करे यार इतना लोड है तो धक्का देगी ना। और भाई ये फुल स्पीड में थोड़ा फुर्ती में निकल रहे हैं आगे, तो अभी चल रहे हैं गाइस, क्या करे ये गाड़ी थोड़ी सी यार मुझे दिक्कत दे रही है, लोड ज़्यादा है ना, तो लोड की वजह से इसका पावर भी उतना चाहिए, तो पावर उतना है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि गाड़ी चढ़ाई पे और वैसी जगह अपना दब रही है। अब ये देखो गाय आ रही है, देखो देखो क्या गाय क्या करती है, मैं काटता हूँ इधर और निकलने की कोशिश करता हूँ। निकल गया निकल गया निकल गया। ये है गाइस अपना ब्यावरा, ये सीधा सिटी में ब्यावरा जाता है, और ये हम लोगों का बाईपास बन गया है कि हम लोग सिटी में ना घुस पाए, क्योंकि हमारी हैवी व्हीकल है गाइस, इसके लिए बाईपास है, और बाईपास मार के यूं निकल जाएंगे आगे गुना गुना शिवपुरी ग्वालियर आगरा। फिर आगरा में तो खाली करना ही है, तो यहाँ पर थोड़ा ब्रेकर है, ब्रेकर को देख लेते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई इतना काला कुत्ता है ना, ओ हो हो, और आराम आराम से गाइस देख रहे हो, इतना बचाने के बाद भी ना पीछे का भाड़ भाड़ कर रहा है। अब ये सीन्स देखो, सीन थोड़े अच्छे थे ना, ब्रेक था, अब फिर थोड़े ये ब्रेकर भी सीन, ब्रेकर वाले सीन और अच्छे लगते हैं जब गाड़ी उछलती है, तो अभी देखना ये अब पीछे का धड़ हो गया यार, ये कुछ सीन है। हम भी आराम आराम से पार कर रहे हैं, जय हिंद गाइस। और यार जाके ना फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लो जो कि अर्जुन लाइफ करके इंस्टा पे है, ठीक।